ऑथेंटिकेशन कुछ लोगों ऐसा मुझे सुनने में मिला है कि होस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ बोलो। सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला भी, वो अभी हम होस्टिंग इसकी करके ज़रा देख लेते हैं कि होस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे खुला हुआ है और 15 के नाम से, और यहाँ पे मैंने इसको रन भी किया हुआ है। ठीक है, और ये रन होके कुछ इस तरह का दिख रहा है जो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था, ये बिल्कुल वहीं से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, SRC में मैं गया और app.js में देख लेते हैं ज़रा इसमें क्या हुआ हुआ है। इसमें हुई भी है राउटिंग, अच्छा इसका मैं टर्मिनल क्लोज करूँ। ये इसके अंदर राउटिंग की कुछ चीज़ें हुई हुई हैं और फायरबेस की कुछ चीज़ें ऊपर इंपोर्ट हुई हुई है। ठीक है, ये सारे पेजेस हैं हमारे, तकरीबन 3 और 2 5 के करीब पेजेस हैं इसमें हमारे। ठीक है जी, और ये 5 पेजेस पे की कंडीशनल राउटिंग हुई हुई है जिसको हम ऑथ गार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन किस पे लगी थी कि बंदा अगर लॉगिन है तो फिर उसको किसी और पेज पे लेके जाया जाए, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको किसी और पेज पे। मिसाल के तौर पे अगर बंदा लॉगिन है तो स्लैश के बाद पे क्या दिखाया जाएगा उसको, होम, और अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो स्लैश के बाद पे उसको क्या दिखाया जाएगा, लॉगिन। ठीक है, तो इस तरह करके हमने कंडीशनल राउटिंग इसमें की थी। अच्छा, तो अब इसको हम क्या करते हैं, होस्टिंग इसकी करके देखते हैं कि क्या आया कि एग्जैक्टली इसी तरह होस्ट हो जाता है ये। तो मैं फायरबेस पे जाता हूँ, और फायरबेस का जो इसका प्रोजेक्ट था उसका क्या नाम था, index.js ना, इसका नाम था auth example delete this। सही है, ये auth example delete this के अंदर चला गया मैं, और मैं चला जाता हूँ फिर इसमें build और hosting। तो पहले तो फायरबेस पे ही होस्ट कर लेते हैं, फिर किसी और पे भी एक पे करके देख लेंगे कि कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, npm -i -g firebase tools, ये firebase की CLI हमें इंस्टॉल करनी होती है। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक दफ़ा ये कमांड और चला देता हूँ। अच्छा, मुझे इसको sudo के साथ चलाना होता है इस कमांड को, अगर आप मैक पे या लिनक्स पे हैं तो आपको sudo के साथ ये कमांड चलानी होती है, अदरवाइज वो। तो मैंने दोबारा से इंस्टॉल की कमांड चला दी है ताकि अगर मेरे पास पुराना वर्जन है तो वो अपडेट हो जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने वो इंस्टॉलेशन कर ली इसकी। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फायरबेस लॉगिन चलाना होता है। फायरबेस लॉगिन मेरा जाहिर है पहले से इसमें हुआ हुआ होगा, तो मुझे वो मेरा ईमेल बता देगा कि कौन से ईमेल से मैं लॉगिन हुआ। ठीक है, जल्दी हो जाओ, हाँ ये हो गया। अच्छा, अब मैं फायरबेस लॉगिन चलाऊंगा तो मुझे वो मेरी ईमेल दिखा देगा कि भाई आप इस ईमेल से लॉगिन हो। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ फायरबेस लॉग आउट कर देता हूँ, और लॉग आउट करके ज़रा मैं दिखा देता हूँ कि लॉगिन वो कैसे होगा, जस्ट इन केस अगर, वैसे तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसने क्या बोला कि लॉग आउट हो चुके हो इस ईमेल से, और अब मैंने बोला कि फायरबेस लॉगिन। फायरबेस लॉगिन जैसे ही मैं चलाता हूँ तो मुझसे ये क्या सवाल करता है, मुझसे कहता है अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एंड इमुलेटर सूट। इस पर बस मुझे एंटर करना है, ऑटोमेटिकली एक लिंक खुलेगा गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। अच्छा, गूगल क्रोम ब्राउज़र आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि गूगल क्रोम यूज़ करें आप। लेकिन अगर आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कोई और है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको लिंक को कट कर लेंगे आप यहाँ से, और कट करके उस ब्राउज़र में जाके आप फिर ओपन करेंगे। ठीक है, वैसे तो गूगल क्रोम, अच्छा गूगल क्रोम मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। एक तो गूगल क्रोम में ना नए वाले फीचर्स जो है वो पहले आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डेवलपर बहुत सारे जो हैं गूगल क्रोम ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये कि गूगल क्रोम का जो मार्केट शेयर है वो भी सबसे ज़्यादा है, मतलब आपकी जो ऑडियंस है उनमें भी सबसे ज़्यादा लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। अच्छा, सफारी के भी हैं बहुत सारे यूज़र, लेकिन सफारी तो फिर जिनके पास मैक है उसके पास ही अवेलेबल होगा। फायरफॉक्स के भी कम है, इतना ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है उसका, और माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह ये तो है ही, आपको पता है वो बेकार ही है बिल्कुल। ठीक है, बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, जो नया वाला इनका है, वो इंटरनली गूगल क्रोम है। सही, क्रोमियम अब यूज़ करता है वो। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ ना, मेरे पास वो एज मैंने शायद इंस्टॉल भी किया हुआ, ये एज है ना माइक्रोसॉफ्ट, ये मैं इसको ओपन करूँगा ना तो आप देखेंगे अंदर से ये गूगल क्रोम है। तो ये मैंने राइट क्लिक किया और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया, तो ये आप देख रहे हैं ये अंदर से पूरा गूगल क्रोम है।
यहाँ पे तो बल्कि कहीं लोगो भी आ रहा था लास्ट मैंने जब खोला था ना, यहाँ पे किसी जगह पे ना उनका लोगो भी आ रहा था। ये लाइट हाउस वगैरह सब इनके पास है ना, जो गूगल क्रोम में हुआ करता था। वेल, तो इन्होंने क्रोमियम को अडॉप्ट कर लिया, अब इंटरनली ये भी गूगल क्रोम है, और यही वजह है कि अब इसी वजह से जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना उसकी अब मार्केट शेयर भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वो इंटरनली जब क्रोम ही है तो फिर जाहिर है जो क्रोम में फीचर्स होते हैं वही सारे। वेल, तो मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया इसमें और ये लॉग इन हो गया ना। अच्छा, इसको मुझे अलाउ करना पड़ेगा, ये ठीक है भाई, अलाउ कर दिया, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। अब मैं जाके वापस अपने सी एल आई पे जब देखूंगा, सी एल आई मेरी कहाँ चली गई इधर, अच्छा मैं सी एल आई इसको ना इधर रखता हूँ कोड को मैं, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे क्या बोल दिया कि सक्सेसफुली लॉग इन एज दिस 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 ईमेल, जो भी आपका ईमेल है वो यहाँ आ जाएगा। इस टैब को अब मैं बंद भी कर दूँ तो चलेगा। अच्छा, अगला काम क्या है, अगला काम है फायरबेस इनिट, फायरबेस को इनिशियलाइज मैंने करना है अगला काम, ठीक है जी। तो फायरबेस इनिट, अच्छा ये कमांड मुझे कहाँ पे चलानी है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के रूट पे ये कमांड चलानी है, राइट। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है, अगर आप गौर करें तो मेरे प्रोजेक्ट का जो रूट है वो क्या है, वो जहाँ पे जिस लेवल पे ये पैकेज डॉट जेसन पड़ा हुआ है ना, ये मेरे प्रोजेक्ट का रूट है, और ये है किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये इस फोल्डर में पड़ा हुआ है 15.firebase.authentication। तो मैं इसी फोल्डर में मौजूद होना मेरे लिए ज़रूरी है, देखो मैं इसी फोल्डर में मौजूद हूँ। कुछ लोगों ने ये किया हुआ था कि इसके अंदर एक और फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर ऐप थी, तो फिर आपका रूट फोल्डर वो है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया हुआ था, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर फिर ये नॉट मॉड्यूल वगैरह और ये सब पैकेज डॉट जेसन था। तो फिर आपने क्या करना है, उस हेलो वर्ल्ड में जाके ये कमांड चलानी है, ठीक है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट पे आना है। अच्छा, प्रोजेक्ट के रूट पे आके मैंने कहा फायर बेस इनिट। अच्छा, फायर बेस इनिट जब मैं लिखता हूँ तो आप देखें यहाँ पे पहले से ना वो फाइल्स नहीं बनी थी जो अभी बनने वाली हैं। दो फाइलें बनती हैं, एक फायरबेस जेसन और एक फायरबेस आरसी, सही है। तो ये दो फाइलें बनती हैं, ठीक है। फायरबेस इनिट करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब मुझसे ये सवालात पूछना शुरू किए हैं इसने। क्या पूछना शुरू किया है, विच फायरबेस प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू सेटअप। तो मैंने बोला मुझे क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए, ठीक है। होस्टिंग यहाँ पे दो आ रही है, तो मुझे पहली वाली सेलेक्ट करनी है, सेकंड वाली जो है वो असल में गिटहब एक्शन है, वो गिटहब एक्शन से डायरेक्ट करना होता है उसको, ठीक है। तो मैं इस पहले में जाके स्पेस का बटन दबाऊंगा तो ये छोटा सा ग्रीन बार आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया। मैं मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इसमें से, लेकिन मुझे सिर्फ अभी होस्टिंग करनी है, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, ये यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तीन चार मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने कहा यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, एंटर इस पर किया जैसे ही मैंने, तो अब मुझसे ये क्या कह रहा है कि आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट की आईडी मुझे बताओ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की आईडी कैसे तलाश करूँगा, ये जो मेरा यूआरएल है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है, सही है। तो ये पार्ट मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया, ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट की आईडी है। मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, एंटर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो आईडी एंटर की थी, उसके बाद इसने क्या बोला, यूजिंग प्रोजेक्ट दिस दिस दिस, इसको समझ आ गया कि ये प्रोजेक्ट, इसको पता चल गया, सही है, इसने बता दिया। अब कह रहे हैं होस्टिंग का सेटअप यहाँ से शुरू होता है, प्रोजेक्ट तो मुझे पता चल गया, कह रहे हैं कि योर पब्लिक डायरेक्टरी फोल्डर इज द रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट। अभी बता रहे हैं कि पब्लिक डायरेक्टरी क्या होती है, तो हमें अपनी पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी सेट करनी है, बिल्ड, क्योंकि रिएक्ट के प्रोजेक्ट में जब मैं npm run build चलाता हूँ तो जो मेरा बिल्ड का फोल्डर बनता है या प्रोडक्शन का जो फोल्डर बनता है उसका नाम रखा जाता है बिल्ड बाय डिफॉल्ट, रिएक्ट की CLI में ये सेटअप हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, BUILD एंटर, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कन्फिगर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्या आपको इसको एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। अब देखो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, ये प्रोजेक्ट जो हमारा अब जो है ना ये सिंगल पेज है। मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्निकली एक ही पेज है, वैसे तो मैं देख रहा हूँ ना कि भाई होम भी है, गैलरी भी है, अबाउट भी है,
लेकिन टेक्निकली ये एक ही पेज है। इसका एविडेंस ये है कि आप अगर जाते हैं ना नेटवर्क के टैब में और इस पेज को अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे जाके रिफ्रेश, एक बार जो लोड होना था वो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यानी क्लियर कर दिया। अब कोई नई चीज़ अगर ये लोड करेगा इंटरनेट से तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा, है ना। अब देखो मैं गया होम पे, गैलरी पे, अबाउट पे, प्रोफाइल पे, कि कोई इंटरनेट पे दूसरी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ना ही ऊपर ये जो लोडर है ना हमारा। देखो मैं होम पे जाता हूँ, गैलरी पे जाता हूँ, यूआरएल चेंज हो रहा है लेकिन ये लोडर अपनी जगह फिक्स है। मेरा पेज ऑन अदर एंड जो HTML के ज़माने में हम बनाते थे उसमें क्या होता था, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते थे या दोबारा सब चीज़ें लोड होती थी और ऊपर से दोबारा से वो लोडर घूमता था, ऐसा होता था ना। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। असल में होता ये है कि एक आपके पास एक विंडो है यहाँ पे इनविजिबल विंडो एक, ठीक है, इनविजिबल विंडो यहाँ पे बनी हुई है इस जगह पे, जो क्या हो रही है, स्वैप हो रही है। हाथ नीचे कर लो, आखिर में लूँगा क्वेश्चन में। तुम वैसे भी लेट आए हो, लेट क्यों आए हो? अच्छा, आखिर में लूँगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना इस जगह पे जब मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे एक इनविजिबल एक विंडो है जो स्वैप हो रहा है, जिसमें कंटेंट स्वैप हो रहा है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, जो हमने राउटिंग के टाइम पे भी हमने डिटेल से पढ़ा था। अब कोई अगर आप में से राउटिंग की क्लास में गायब था तो वो देख ले जाके, रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में डली हुई है इसी में। अच्छा, तो वो स्वैप हो रहा है बस जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। हम वो बगैर राउटिंग के भी कर सकते थे, राउटिंग एक लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी, रिएक्ट राउटर डॉम। हम बगैर लाइब्रेरी के भी वो कर सकते थे, हमने राउटिंग वाली क्लास में ही देखा था। हम खुद ही ईफ़ेल्स लगा ले, होता रहेगा वो ईजिली। हम प्लेन जावास्क्रिप्ट की जो ऐप थी हम उस पर भी वो काम कर सकते थे। हम एक ईफ़ेल्स लगा लें और उसको स्विच मारते रहें खुद ही, हो सकता है उसमें भी, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करते हैं? टाइम बचाने के लिए, दैट्स इट। ये हम काम सारा खुद भी कर सकते थे प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में, ये सब हो सकता है। पर इनफैक्ट ये प्लेन जावास्क्रिप्ट ही है ना एट द एंड। हम जो कोड लिखते हैं वो बिल्ड होता है तो जावास्क्रिप्ट बनती है, सिंपल जावास्क्रिप्ट। तो लाइब्रेरी हम रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी हम टाइम बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और रिएक्ट राउटर डॉम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज वो सारा काम हम खुद अपना कस्टम कोड भी लिखते तो हो जाता, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो इस तरह की जो ऐप्स होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर देखो, इसमें होम मौजूद है, गैलरी मौजूद है, अबाउट मौजूद है। अगर इसमें मैं लिखूँ ABC जो कि मौजूद नहीं है तो क्या होगा? घुमा के मुझे वो होम पेज पे ले आया, सही है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आमतौर पे 404 का पेज भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि 404 उसमें है ही नहीं। अगर मैंने कोई गलत URL लिखा है तो वो क्या करेगा? वो मुझे घुमा के कहाँ लेकर आ जाएगा? होम पेज पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसको ये पूछ रहे हैं ना कि सिंगल पेज ऐप बनानी है क्या, तो मैं इसको बोलूँगा यस, वाई, कि भाई सिंगल पेज बनाओ, ठीक है। अच्छा, सिंगल पेज का इसने ब्रैकेट में ये मेंशन भी कर दिया है कि अगर आपने सिंगल पेज बनाया ना तो उससे होगा क्या, कि आपने अगर कोई ऐसा URL लिखा जो पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कहाँ ले आएगा उसको घुमा के? index.html। ये इसने मेंशन भी कर दिया है यहाँ पे। तो बस इतना काम है इसका सिंगल पेज का, इसका और कोई काम नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन सिंगल पेज नहीं भी है, अगर उसमें भी आप यस कर देंगे ना तो बिहेवियर इसका इसने बता दिया कि क्या है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस ऐप में भी मेरी जो सिंगल पेज ऐप है, अगर इस ऐप में भी मैं इसको नो भी कर दूँ ना तो होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर वो एक 404 का पेज बनाता है। आप गलत URL लिखेंगे तो वो वहाँ पे लेके जाएगा, वो घुमा के उसको इंडेक्स पे नहीं लाता, सही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी हम वो भी ट्राई करके नो करके भी देख लेते हैं, ये चलेगा बिल्कुल सही। Netlify पे लिंक ब्रेक हो रहा था अभी। Netlify में Firebase के अलावा भी करना है ना, मैं आज दो पे करके देखना है। Firebase की तो अपनी प्रोडक्ट है तो वो समझता है, इंटरनली सारे मसले उसने हैंडल किए हैं। लेकिन अगर किसी और पे होस्ट करूँ मैं और ऑथेंटिकेशन Firebase की लगी है तो वो भी हम दोनों करके देखेंगे। तो Netlify पे भी अभी हम करके देख लेते हैं। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड GitHub। मैंने कहा नो भाई, अभी मैं सिर्फ अभी मुझे GitHub एक्शन नहीं लगाना है, नो कर दिया मैंने। इसने बोला भाई आपकी इनिशियलाइजेशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई।
अच्छा अब जब मैं डिप्लॉय करूंगा ना इसको, देखो दो फाइलें तो बन के आ गई, फायरबेस आरसी और फायरबेस जेसन। अब फायरबेस जेसन में ना यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, री राइट ऑल यू आर एल टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये पहले नहीं आता था, अगर आप नो करेंगे ना तो ये नहीं आएगा। ये सिंगल पेज पे यस किया मैंने इस वजह से ही आया। ये आप बाद में भी हाथ से भी लिख सकते हैं अगर आपने शुरू में नहीं बताया, या दोबारा इनिट चला सकते हैं, एक ही बात है। तो जो भी आपने इनिट करते हुए बात बताई है वो सब इसने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा अब मैं इसको क्या करूँगा, npm रन बिल्ड। अच्छा npm रन बिल्ड मैं क्यों चला रहा हूँ, ताकि अभी का जो मेरा कोड लिखा हुआ है ना अभी वाला, वो उस पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, बिल्ड का फोल्डर ताज़ा तरीन कोड उसमें चला जाए। अदरवाइज अगर मैं बिल्ड नहीं चलाता ना, तो आखिरी बिल्ड जब भी मैंने चलाई थी वो कोड पड़ा हुआ है उसमें, वो चीज़ होस्ट होगी। सही है, तो मैंने ताज़ा तरीन बिल्ड का फोल्डर यहाँ पे तैयार कर लिया। अच्छा डिप्लॉय करने से पहले सम टाइम ये होता है कि इनिट पे ना यस नो गलत प्रेस करते हैं तो वो डिलीट कर देता है, बिल्ड का फोल्डर डिलीट मार देता है। ठीक है, तो एहतियातन अगर डिप्लॉय से पहले आप एक दफ़ा बिल्ड चला लें तो बेहतर है। ये न्यू बीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल बिगनर्स हैं। वैसे तो आपको इतनी समझ हो गई होगी अब कि वो बिल्ड का फोल्डर आपको वाला है या डिलीट मार दिया उसने क्या किया। अच्छा वेल, मैंने कहा कि फायरबेस डिप्लॉय एंटर, ठीक है जी, तो ये होस्टिंग शुरू हो गई है हमारी। अभी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा ये मुझे लिंक इसने दे दिया, कंट्रोल क्लिक किया मैंने, लिंक ओपन हो गया। सही है, लिंक इस तरह से ओपन हो गया, मेरे पास आ गया। मैंने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लिया कॉन्सोल वाला। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे आपके पास ये कॉन्सोल खुला हुआ तो ज़्यादा बेहतर है। ये साइनअप का पेज आ गया, ये लॉगिन का पेज आ गया। लॉगिन के पेज पे मैंने ये लिख दिया, और पासवर्ड क्या रखा था मैंने यार, 1 2 3 4 5 6 ये रखा था, एंटर किया मैंने तो ये लॉगिन हो गया। सही है, ये पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन भी मेरे पास आ गया, जो हमने लास्ट ऑथेंटिकेशन के वक्त ये डिस्कस की थी ना चीज़, बस ये सेव का बटन मैंने दबा दिया, अब ये पासवर्ड सेव हो गया मेरा। अब मैं जब भी लॉगिन करने आऊँगा वो पासवर्ड मुझे पता चलता रहेगा। ठीक है, ये ऑटो कंप्लीट करके एक चीज़ होती है, वो हमने डिस्कस की थी, कोई अगर नहीं था लास्ट क्लास में तो रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है कि ये लॉगिन के फॉर्म पे या साइन अप के फॉर्म पे ये ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा होता है। ठीक है, मैं लॉग आउट करता हूँ, देखो ये पहले से लिखा आ रहा है। मैं साइन अप पे जाऊँगा और यहाँ पे ये नेम जो ऑटोमेटिकली आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये ईमेल कैसे आ रहा है हमारे पास, ये पासवर्ड में ये जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे आ रहा है। ठीक है, जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने किया तो ये दोनों में लिखा आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस की थी हमने, कोई अगर नहीं था तो वो देख ले खुद से जाके। ठीक है, मैंने कहा लॉगिन, ये लॉगिन हो गया और इसने एरर दिया मुझे, क्योंकि गूगल क्रोम में पासवर्ड सेव करो तो वो एरर देता है कि बहुत इजी पासवर्ड है, आप इसको सही करो। ये सारे के सारे पेजेस आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा पेज लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर गैलरी के आगे मैं गैलरी हटा के कोई मैंने ABCD कुछ लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये मुझे घुमा के कहाँ ले आता है, होम पेज पर लेकर आ जाता है। ठीक है, तो ये अब समझ आ गया हमें। अच्छा Netlify पे भी होस्ट करके देख लेते हैं इसको। मैंने यहाँ से कहा नेक्स्ट, बस ये हमने कहा वही हो गया, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, इसका जो लिंक है ये मैं कॉपी करके इधर अपने प्रोजेक्ट में भी मेंशन कर देता हूँ। कैसे होगा प्रोजेक्ट में मेंशन, ऐसे होगा ना, सही है, ताकि कोई भी इस लिंक पे आता है तो यहाँ पे उसको पता चले, readme.md में लगा दीजिए। अच्छा अब हम किसी एक, अच्छा इसको बगैर सिंगल पेज के भी करके देख लेते हैं, जो कोई कह रहा था ना बगैर सिंगल पेज करने से अगर ब्रेक हो रहा था ये, तो बगैर सिंगल पेज के करने से मैं क्या करूँगा, बस ये हटा दूँगा रीराइट ऑल। ठीक है, ये हटा दूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इनिट दोबारा चला लेता हूँ ताकि वो प्रोसीजर वही वाला रहे। मैंने कहा भाई इनिट चलाओ दोबारा, इनिट में मैंने दोबारा कहा कि भाई क्या करो, फायरबेस होस्टिंग करनी है मुझे ये, एंटर। अच्छा बिल्ड नाम है मेरे फोल्डर का, ये मैंने बता दिया। कॉन्फ़िगर सिंगल पेज, इस पर मैंने नो किया इस बार, सही है। और सेटअप ऑटोमेटिक डिप्लॉय, इस पर भी मैंने नो किया। अच्छा अब ये मुझसे देखो पूछ रहा है कि फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या इसको ओवर राइट करना है।
कुछ लोग इस पर यस प्रेस कर देते हैं तो वो डिलीट मार के ना एक नई फाइल बना देते हैं, फिर वो डिप्लॉय करते हैं तो सामने फायरबेस लिखा हुआ रहा है, उसको पढ़ते भी नहीं है वो कि सामने लिखा हुआ क्या है, वो सर ने लिखा हुआ था डिप्लॉय सक्सेसफुल योर स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको यस करेंगे आप तो फिर आपको बिल्ड दोबारा चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ, ठीक है, नो कर दिया मैंने इसको। अच्छा 404.html यहाँ पर पता नहीं पहले से कैसे बना हुआ है, एक मिनट में ये बिल्ड का फोल्डर ना एक बार डिलीट कर देता हूँ, बिल्ड का फोल्डर डिलीट करके मैं दोबारा इनिट चलाता हूँ। सही है, होस्टिंग एंटर, बिल्ड एंटर, कॉन्फ़िगर सिंगल पेज नो, ऑटोमेटिक डिप्लॉय नो, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब देखो बिल्ड का फोल्डर ना इसने खुद से बनाया है और ये 404 और index.html ये दो फाइलें क्रिएट करता है फायरबेस खुद, समझ रहे हो इस बात को। तो ये वाली फाइलें मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है, ये वाली फाइलें मेरे किसी काम की नहीं है। 404.html बनाना होगा तो मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन मैं बनाऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरी सिंगल पेज है, मैं बोलूँगा रीराउट करो तमाम को। अब देखो अब मैं चलाऊँगा ना npm run build, तो 404 अपनी जगह पे रहेगा, 404 डिलीट नहीं होगा। अच्छा नहीं, 404 भी उसने उड़ा दिया, ठीक है। 404 देखो अब मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि मैंने नो किया ना, अब मैं गलत यू आर एल लिखूँगा तो वो 404.html खोलना चाहिए उसको, तो 404 को मैं वापस ले आता हूँ। कैसे लाऊँगा वापस, आ सकता है क्या वो, अपना बना देते हैं एक, ठीक है। वैसे इस तरह रिएक्ट में होता नहीं है, हमें 404 वाले पेज की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो उसको वैसे ही डिप्लॉय तो करें, देखते हैं फिर वो गलत लिंक पे करता क्या है। फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है। अब मैंने ये एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह इसको होस्ट किया है बगैर सिंगल पेज वाले फीचर के, और 404 का पेज भी नहीं दिया, खुल गई, दोबारा भी खुल गई। इसको मैंने राइट क्लिक किया, एम्प्टी कैश है, हार्ड रीलोड, ताकि पुरानी चीज़ हम भूल के ये दोबारा से लोड करें हर चीज़ को। सही खुल गया बिल्कुल, लॉग आउट कर दिया, लॉग इन कर दिया, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ /abcd कुछ, एंटर किया मैंने, पेज नॉट फाउंड। सिंगल पेज ऐप में ऐसा नहीं हो रहा था, वो घुमा के कहाँ ले आता था, इंडेक्स क्यों। अच्छा ये पेज नॉट फाउंड ना, क्योंकि अगर मैंने 404.html दिया हुआ होता ना तो मेरा पेज खुलता है, अभी मैंने दिया हुआ नहीं था तो इन्होंने खुद से दिखा दिया। एक अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ, एक 404 का पेज बना दूँ मैं यहाँ पे आके, कैसे बनाऊँगा मैं, इसी बिल्ड के फोल्डर में बनेगा 404 का पेज। हाँ मैं बोलता हूँ H1 पेज नॉट फाउंड ABC, सही है, सही है। ये मैंने 404 का दोबारा से बना दिया पेज, ठीक है, बिल्ड के फोल्डर में ये देखें आप, ये मैंने बना दिया। अब जब मैं डिप्लॉय करूँगा और गलत लिंक खोलूँगा तो मेरा ये वाला लिंक खोल के देगा मुझे, और इस पेज में सिंपली कुछ भी नहीं है, एक H1 लगा हुआ है उस पर, बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, और ABC मैंने इसलिए लिखा है ताकि टू मेक श्योर कि मेरा ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, वरना पेज नॉट फाउंड तो सब जगह लिखा हुआ होगा। हाँ अच्छा अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, देखो मेरा पेज खुला है, ये देख रहे हो, गलत URL लिखा जो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हटाऊँगा तो ये सही ऐप खुल रही है। स्लैश लगा के कोई गलत URL लिखूँगा, 404 मेरा वाला पेज खुला है, जैसे GitHub होता है ना, कभी कोई ऐसा लिंक लिख दो जो GitHub में एग्जिस्ट नहीं है, जैसे बिल्ली बनी हुई आती है, ऐसे ऐसे होती रहती है वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको दोबारा से इनिट करूँगा और मैं बोलूँगा भाई सिंगल पेज है, सही ना, और इसको सिंगल पेज करके फिर हम फाइनली दूसरे होस्टिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। बिल्ड और कॉन्फ़िगर सिंगल पेज यस, ऑटोमेटिक डिप्लॉय नो और नो, सही है डिप्लॉय। मैंने वापस से इसको सिंगल पेज करके डिप्लॉय कर दिया और इसी तरह से मैं इसको छोड़ दूँगा। ठीक है, अब ये 404 का जो फाइल है ना,
ये अभी तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट टाइम npm रन बिल्ड चलाऊंगा ना, ये फाइल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा npm रन बिल्ड, तो ये फाइल देखना 404 वाली ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्ड का फोल्डर क्या करता है, रिएक्ट पूरा फोल्डर डिलीट करता है और उसकी जगह नया फोल्डर बनाता है। और अब मैं इसको कर दूंगा फायरबेस डिप्लॉय, तो ये जो ताज़ा तरीन कोड था मेरा वो चला जाएगा फायरबेस के ऊपर। ठीक है, इसी पेज को अब मैं रिफ्रेश करूंगा गलत यूआरएल के साथ, तो ये घुमा के मुझे इंडेक्स के होम के पेज पे लेकर आ गया। अच्छा, अब कौन सा था अगला, नेटलीफाई। अच्छा भाई, किससे मैंने लॉगिन किया था, गिटहब से किया था। सॉरी, सीएलआई से। अच्छा, नेटलीफाई मैंने बहुत ही कम यूज किया, तो अच्छा ये जो पहले से हुई भी है उसको तो उड़ा देते हैं इन सबको, ये एक नया बनाते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा, नेटलीफाई की तरह सीएलआई देखते हैं ना, फायरबेस भी हम सीएलआई से यूज़ कर रहे हैं, तो नेटलीफाई भी सीएलआई से यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेटलीफाई इंस्टॉल कैसे होगा, npm इंस्टॉल नेटलीफाई डैश cli माइनस जी, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल होगा, लेकिन जस्ट इन केस मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ और माइनस जी की कमांड में sudo के साथ रन करूँगा अगर मैक पे या लिनक्स पे रन हो। ठीक है, बगैर माइनस जी वाली वैसे भी रन करें तो चल जाती है, लेकिन माइनस जी जहाँ पे हो फिर sudo करके करना पड़ता है, और विंडोज़ पे कमांड प्रॉम्प्ट को मे भी आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, ये उसी के इक्वल है, sudo जो है ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के इक्वल है विंडोज़ में। तो ये मैंने CLI दोबारा से इंस्टॉल कर ली और नेटलीफाई लॉगिन है, इसके बाद कमांड सेम वही है, आपने देखा जैसे फायरबेस में सेम वही इसमें भी। तो मैंने कहा कि नेटलीफाई लॉगिन एंटर, हाँ क्या कह रहे हैं, ऑथ कार्ड नेटलीफाई लॉगिन एक्सेस परमिशन डिनाइड। अच्छा, ये तो जब ही आता है मुझे लग रहा है sudo नेटलीफाई लॉगिन में भी मुझे sudo लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या बोला इसने, ऑलरेडी लॉग इन वाया नेटलीफाई कॉन्फिग ऑन योर मशीन। अच्छा, नेटलीफाई स्टेटस करके जो है ये कह रहा है क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपका लगा हुआ है। अरे भाई, हर चीज़ में sudo चाहिए उसको। अच्छा, कह रहे हैं कि ये वाली जो टीम है ना आपकी, ये लगी हुई है करंट, सही है, कह रहे हैं ये आपका लगा हुआ है इस वक्त और ईमेल आपकी लगी हुई है ये, तो मैं शायद लॉग आउट भी कर सकता हूँ इसमें मे बी। मैंने कहा कि नेटलीफाई लॉग आउट, ताकि वो पता चल जाए ना लॉगिन का प्रोसेस कैसे होता है, दिख जाए वो भी। लॉग आउट किया मैंने, ठीक है लॉग आउट हो गया। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, मैं अभी भी कहाँ खड़ा हूँ, अपने प्रोजेक्ट के रूट पे खड़ा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का प्रोसेस है जैसा फायरबेस में आपने देखा, ऑथराइज का बटन दबाया और हो गया। ठीक है जी, हो गया भाई लॉगिन मेरा, ये लॉगिन का प्रोसेस इतना सिंपल सा था। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अच्छा, अब नेटलीफाई इनिट करना है, ये करना होता है क्या हमें, नेटलीफाई इनिट करके देखते हैं क्या होता है।
मैंने भी पहली बार यूज़ किया है इनिट, मैंने यूज़ नहीं किया पहले, करके देखते हैं क्या होता है। Netlify init enter, अच्छा Netlify init में इसने क्या बोला, देखो बिल्कुल Firebase की तरह इन्होंने किया है, बिल्कुल फायर, इसमें भी यही था कि प्रोजेक्ट पूछता था कौन सा है, कह रहे हैं कि कनेक्ट दिस डायरेक्टरी टू एन एग्जिस्टिंग Netlify साइट, जो मेरे पास तीन साइट्स आपने देखा डैशबोर्ड पे पहले से बनी हुई आ रही है, कह रहा है किसी एग्जिस्टिंग से कनेक्ट करवाना है या न्यू करना है, मैंने कहा यार न्यू कर लेते हैं, सही है, न्यू पे लाके मैंने एंटर कर दिया। अच्छा कह रहा है कौन सी टीम होगी आपके पास, मेरे पास चूंकि एक ही टीम है तो एरो मूव नहीं हो रहा, एरो ऊपर नीचे करने से मूव नहीं हो रहा, एक ही टीम है, मैंने एंटर कर दिया यही सेलेक्ट हो गया। अच्छा क्या कह रहा है कि साइट का नाम क्या होगा, आपके साइट नेम लीव ब्लैंक फॉर अ रैंडम नेम, कह रहा है अगर आप कोई नाम लिख दोगे तो वो होगा, अदरवाइज रैंडम हम खुद ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा यार ऑथ एग्जांपल ऐसे करके लिखो, देखो फिर क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता। कह रहा है कि ये पहले से भाई टेकन है, तो मैं कहता हूँ अगर टेकन है ना तो ऑथ एग्जांपल और डैश लगा के इसको डिलीट दिस भी लगा दो इसमें, ठीक है ये बन गया, ये अवेलेबल था। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि Netlify CLI नीड एक्सेस टू योर GitHub अकाउंट टू कन्फिगर वेबहुक एंड डिप्लॉय कीज़। अब ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का ही मुझे असल में ऑप्शन दे रहा है कि डायरेक्ट GitHub से मैं उठा लिया करूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए नो कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा नो का तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा ये, ठीक है वेल मैं पहला जो ऑप्शन था डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसने ये खोला भाई और ठीक है GitHub मैंने प्रेस किया यहाँ से, ठीक है ये मुझसे एक्सेस ले रहा है कि भाई आपकी मैं रिपॉजिटरीज को क्या कर सकूँ, रीड कर सकूँ। व्हेन योर फोन इज़ रेडी क्लिक द बटन बिलो, अच्छा ये फ़ोन पे मुझे इसने टू फैक्टर भेजा है 53, बड़ा एडवांस हो गया भाई ये तो। अच्छा तो मैंने GitHub की ऐप खोली है ना जब, तो मुझे कह रहा है कि वो नंबर एंटर करो आप, मैंने कहा 53 और अप्रूव, सही है अप्रूव हो गया। वापस मैं CLI पे आया, अब मुझसे अगला सवाल पूछा इसने, अगला सवाल मुझसे क्या पूछा इसने कि आपकी जो बेस डायरेक्टरी होगी ना वो कौन सी होगी, यानी कि बिल्ड का फोल्डर कौन सा होगा आपका, ये वो पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई ये होगा आपका डॉट स्लैश भी लगा सकते हैं बिल्ड, या डॉट स्लैश ना भी लगाए तो चलेगा, सिर्फ बिल्ड लिख के मैं एंटर कर दूँ तो ये समझ जाएगा, ठीक है जी। ओके ये मुझसे कमांड भी पूछ रहा है, ये क्या होगा। अच्छा ये बाय द वे मैंने शायद गलत कर दिया, ये बिल्ड के फोल्डर का नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था आपका रूट फोल्डर कौन सा है, आपकी रूट डायरेक्टरी कौन सी है, ये वो पूछ रहा था, ठीक है यानी प्रोजेक्ट स्लैश फ्रंट एंड, तो मुझे बताना था डॉट स्लैश यही वाला। वेल npm रन बिल्ड से मैं इसको रन करता हूँ और बिल्ड चलाता हूँ, डायरेक्टरी टू डिप्लॉय, कह रहे कौन सी डायरेक्टरी जो आपने डिप्लॉय करनी है, मैंने कहा बिल्ड की डायरेक्टरी, अभी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, जाहिर है जैसे firebase.json बना था उसी तरह ये भी एक फाइल बनाएगा, तो वहाँ पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा जो मैंने आंसर गलत कर दिया ना वो चेंज कर पाऊंगा। मैंने कहा भाई बिल्ड का फोल्डर में जो डिप्लॉय होगा, अच्छा इसने शायद मेरे GitHub में ना एक रिपॉजिटरी बना दी है, शायद देख लेता हूँ जाके GitHub में क्या किया इसने मेरे GitHub में शायद इसने एक रिपॉजिटरी बना दी है इस नाम से, नहीं बनाई तो नहीं है रिपॉजिटरी। अच्छा इसने देख लेते हैं क्या फाइल क्रिएट की है, कोई फाइल इसने बनाई होगी ज़रूर, ये डॉट Netlify के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसमें स्टेट डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बनाई है इसने, और बिल्ड में क्या किया,
बस यही किया इसने। अब अगली कमांड मैंने क्या चलानी है, फायरबेस ये इनिट तक तो मैंने चला दिया, एक क्वेश्चन मैंने गलत किया वैसे उसमें, अच्छा नेटलीफाई डेफ करूंगा तो वो लोकली रन हो जाएगा, लोकल उस पर रन हो जाएगा, नेटलीफाई बिल्ड करूंगा तो वो बिल्ड चला देगा सही है, और नेटलीफाई डिप्लॉय करूंगा तो वो डिप्लॉय कर देगा, करते हैं इस पर डिप्लॉय, अब नेटलीफाई डिप्लॉय, अच्छा इसमें भी सूडो चाहिए, ये हो गया डिप्लॉय। अच्छा मैंने वो नहीं लगाया, इसमें एक फ्लैग लगाना होता है माइनस माइनस प्रॉड, अभी जो ये किस में डिप्लॉय किया इसने, मैंने ड्राफ्ट वाले में किया है। अच्छा ये ड्राफ्ट वाला भी वैसे साइट लाइव होती है, ठीक है इसमें कंट्रोल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ पहले मेरी वेबसाइट खुल रही है कि नहीं खुल रही, मेरी वेबसाइट सही खुल गई। अच्छा ये ड्राफ्ट वाले का ना URL लंबा चौड़ा सा होता है, ये इंटरनल टेस्टिंग वगैरह के लिए इसने एक्चुअली दो चैनल बनाए हुए होते हैं ड्राफ्ट और ये, तो मैं दोबारा से इसको माइनस माइनस प्रोड करके एंटर कर देता हूँ ताकि प्रोडक्शन वाला मुझे वो URL बना के दे। प्रोडक्शन वाला URL क्या होगा, जो मैंने ऐप का नाम रखा था वो .netlify.app इस तरह करके कुछ होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था, फिर भी इसने डिप्लॉय सही कर दिया, ठीक है ये इसने देखो प्रोडक्शन का URL मुझे बना के दिया, कंट्रोल क्लिक किया मैंने इस पर, ये भी बिल्कुल सही हो गया। मैं ईमेल पे जाता हूँ और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो ये बिल्कुल सही लॉगिन हो गया और इसने मुझे पासवर्ड सेव का ऑप्शन भी, अच्छा ये पासवर्ड सेव का ऑप्शन ना URL से होता है, पहले क्योंकि URL अलग था और अब URL अलग है तो इसलिए ये ऑप्शन मेरे पास दोबारा है, गूगल क्रोम उसको URL के हिसाब से सेव करता है, ठीक है तो इस URL के लिए ये ID और पासवर्ड सेव होगी, ठीक है जी ये मूव कर रहा है बिल्कुल सही मूव कर रहा है। अगर मैं स्लैश लगा के कोई गलत URL लिखता हूँ तो क्या करता है, ये पेज नॉट फाउंड बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने एज अ सिंगल पेज इसको ट्रीट नहीं किया। अब इसको एज अ सिंगल पेज ट्रीट करने के लिए जाहिर है Netlify के डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई बात उन्होंने मैंशन की हुई होगी कि वो कैसे एज अ सिंगल पेज होता है, ठीक है डिप्लॉय एज सिंगल पेज Netlify, गूगल कर लेते हैं अलग से, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डिप्लॉय अ स्टैटिक साइट और अ सिंगल पेज ऐप, कोई किसी ने आर्टिकल लिखा है Netlify का बल्कि अपना ही है ये आर्टिकल, इन्होंने कहीं पे भी यहाँ पे ये जिक्र ही नहीं किया सिंगल पेज वाला, ठीक है इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया, कोई फ्लैग ऐसा हो कि भाई सिंगल पेज है या क्या है, ठीक है वेल तो डिप्लॉय लेकिन हो गया हमारा, हमारी ऐप डिप्लॉय हो गई है, जो तुम्हारा Netlify पे डिप्लॉय करने में जो ब्रेक हो रहा था लिंक उसका रीज़न कुछ और था, नहीं ना मैं गलत URL लिख रहा हूँ जब हो रहा है वरना तो सही है बिल्कुल, मैं गैलरी में गया, गैलरी में जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो हाँ ये नॉट फाउंड हो जाएगा, सही कह रहे हो क्योंकि ये सिंगल पेज नहीं है, समझ रहे हो सिंगल पेज होने का बेनिफिट क्या था वहाँ पे। हाँ अब ये तो देखना पड़ेगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं Netlify बहुत कम यूज़ करता हूँ तो आइडिया नहीं है मुझे। Firebase यूज़ कर लो, मैं Firebase, असल में Firebase मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ कि Firebase में जो कस्टम डोमेन लगाना ना फ्री है, मतलब अगर फ्री वाली ऐप है तो उसमें कस्टम डोमेन लग जाता है, अब Netlify में मुझे नहीं पता वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, हरिको नहीं करता अलाउ, पहले हरिको बहुत यूज़ करते थे तो सर्वर हरिको पे होता था हमारा, लेकिन फ्रंट एंड में Firebase पे ही करता था, उसका रीज़न ये वो फ्री में अलाउ करता है, और Firebase होस्टिंग में किसी किस्म का कोई लॉक इन नहीं है, किसी किस्म का लॉक नहीं लगाता हूँ कि यार इधर आप आके बस रुक जाओ,
ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है ना, स्टेटिंग होस्टिंग तो हर कोई दे रहा है, सर्च भी दे रहा है, नेटलीफाई भी दे रहा है, और भी पता नहीं दुनिया जहान के है वो सब फ्री दे रहे हैं, तो गूगल पैसे नहीं ले सकता फिर उसके, गूगल को भी फ्री देना है, गूगल बड़ी कंपनी है, गूगल के लिए कोई मसला नहीं है अपना, लेकिन डेटाबेस में और दूसरी चीज़ों में वो लॉक इन करता है फायरबेस, इसलिए मुझे पसंद नहीं है फायरबेस का डेटाबेस, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन आई डोंट लाइक इट, ये फायरबेस की ऑथेंटिकेशन मैंने करवा तो दी है, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, ईजी है लेकिन शुरू में ईजी है, वो बाद में बहुत बड़ा मसला बन जाता है इसकी वजह से, वेल अभी तो टू स्टार्ट विथ इट इज़ परफेक्ट, आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया कि अच्छा लॉग इन साइन अप इस तरह वर्क करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको Node.js और JWT या OAuth 2.0 उनकी तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है जी। फिलहाल के लिए ना करो क्या आप यार, इतनी बड़ी क्लास है, आप में से कोई बंदा सर्च करके बता देना कि वो सिंगल पेज कैसे उस पर होता है, ज़रूरी तो नहीं है हर बात मैं ही आपको बताऊँ, ठीक है, तो आप में से कोई अगर मिल जाए किसी को कि Netlify पे ये सिंगल पेज का फ्लैग लगाना है ना, जस्ट बताना है Netlify को कि भाई ये सिंगल पेज है, अब वो Netlify ने मुझसे खुद तो पूछा नहीं है, अब कहीं ना कहीं अंदर होगा, देखते हैं, चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे जाके, ये है ना Netlify की सारी साइट्स हैं यहाँ पे, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरी अभी जो साइट बनी है वो अपेयर हो जाएगी यहाँ पे, अब ये मेरी अभी वाली साइट है ना, राइट, इसके अंदर मैं गया क्लिक करके, अब यहाँ पे देखो साइट सेटिंग आ रहा है, डोमेन सेटिंग आ रहा है, साइट सेटिंग में देखते हैं चल के, यहाँ पे शायद कोई फ्लैग हो कि भाई सिंगल पेज ट्रू, अगर होगा तो सही है, उस पर क्लिक कर दूंगा मैं, स्टेटस बैज और पता नहीं क्या क्या दे रहा है, बिल्ड एंड डिप्लॉय, बेस डायरेक्टरी बिल्ड, बिल्ड स्लैश बिल्ड एक्टिव, अच्छा ये जो मैंने गलत आंसर दिया था ना वो यहाँ पे देखो शो हो रहा है, सही है, मैं बेस डायरेक्टरीज क्या कर दूंगा चेंज, डॉट स्लैश, सही है बेस डायरेक्टरी ये है मेरी, डॉट स्लैश डिप्लॉय प्रीव्यू, बिल्ड हुक्स, डिप्लॉय की, बिल्ड इमेज सिलेक्शन, नहीं आ रहा भाई कहीं पे भी नहीं आ रहा, एक आखिरी गूगल मार लेते हैं, होगा तो सही कोई ना कोई ऑप्शन इन्होंने दिया होगा, रीराउट ऑल यूआरएल्स टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल Netlify, ठीक है, रीडायरेक्ट रूल्स, जिन्होंने रिडायरेक्ट के रूल्स कहीं पे बनाया है, Netlify फीचर फॉर्म्स, फीचर फॉर्म्स, अच्छा ये रिडायरेक्ट की कोई फाइल बनती है इनकी, Netlify.toml, ये उसके जरिए होगा, उसमें आपको ये लिखना होगा जाके, सही है Netlify SPAs, और ये कहाँ जाके करना होता है ये नहीं इन्होंने बताया, Netlify.com feature/forms, ये इसने तो बता दिया है वैसे कि यार यहाँ पर जाके होगा, ये रहा फॉर्म्स, और फॉर्म्स में जाके कहाँ पे रिडायरेक्ट, कहाँ में जाके होगा ये तो उसने बताया ही नहीं, तुमने किया शेयर, ऐसे ही बताओ ना यहाँ पे इसने आर्टिकल, असल में अच्छा,
ये कह रहा है कि आपको एक फाइल बनानी होगी रीडायरेक्ट्स के नाम से, रीडायरेक्ट्स के नाम से एक फाइल बनानी होगी। अब ये नेटलिफाई स्पेसिफिक है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरह की चीज़। तो मेरे प्रोजेक्ट में आके मुझे कह रहा है कि आपको इस नाम से एक फ़ाइल बनानी होगी। अच्छा, इस नाम से जो फाइल मुझे कहाँ बनानी होगी, मेरे बिल्ड के फोल्डर के रूट पे बनानी होगी मुझे ये फाइल। अब मैं यहाँ तो बना ही नहीं सकता, ये भी एक चीज़ सीख लो आज, यहाँ पे तो मैं कोई फाइल बना ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे बनाऊँगा वो जब जब बिल्ड चलाऊँगा वो गायब हो जाएगी फाइल। अब तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे देख लो पब्लिक का एक फोल्डर है। तुम लोग मुझसे पूछते थे पहले अक्सर के पब्लिक का फोल्डर सर अलग से क्यों बना हुआ है, इससे क्या होता है। तो हम पब्लिक का फोल्डर खोलेंगे और पब्लिक के फोल्डर में आके मैं जो भी फाइल बनाऊंगा ना रूट पे, वो मेरे बिल्ड के फोल्डर के भी रूट पे रहेगी। सही है, पब्लिक के फोल्डर में गया मैं, यहाँ पे जाके मैंने बोला न्यू फाइल और रीडायरेक्ट्स, और रीडायरेक्ट्स में आके मैंने क्या लिखना है यहाँ पे कि भाई इस टैरिक को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आप क्या कर दो, रीराउट करवा दो। दैट्स इट। अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा अगेन, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, मेरा काम वो वाला जो था ना सिंगल पेज ऐप वाला कि गलत यूआरएल डालने पे वो रीराइटिंग जो करना था, वो काम मेरा हो गया। सही है, ओ एनपीएम रन बिल्ड तो चलाया ही नहीं मैंने। हाँ सही है, हाँ वो बिल्ड मुझे दोबारा चलाना था, वो मैं भूल गया। चलो अभी चला देते हैं फिर दोबारा कर देंगे। सही है, जैसे ही मैं बिल्ड चलाऊंगा ना इसके रूट पे वो फाइल भी बनी हुई आ जाएगी। npm run build, npm run build। ठीक है, देखो अब बिल्ड के फोल्डर में ना रिडायरेक्ट्स के नाम से भी ये फोल्डर फाइल बनी हुई आ गई है जो कि पहले नहीं आ रही थी। और अब मैं ये डिप्लॉय का काम दोबारा से करूँगा। सही है भाई, ये डिप्लॉय कह रहा है कि कंप्लीट हो गया है। और अब हम चलते हैं, ये है मेरी वो वेबसाइट, कहाँ गई, गुम हो गई। अच्छा यहाँ से चलो दोबारा खोल लेते हैं ना, वेबसाइट लिंक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक किया मैंने लिंक पर तो ये ओपन हो गया लिंक मेरा। अब इस पर असूलन होम गैलरी अबाउट, अब ये मैं अबाउट पर खड़ा हुआ। पहले क्या होता था, मैं जब इसको रीडायरेक्ट करता था तो 404 पे चला जाता था और वो घूम के आता नहीं था। अब नहीं होना चाहिए ऐसा, रिफ्रेश किया सही हो गया, लेकिन आया होम पे वो। ठीक है, खड़ा हुआ मैं गैलरी में ना, रिफ्रेश करने पे वो होम पर आ गया। क्या फायरबेस में भी ऐसा होता था, मैं अगर अबाउट में खड़ा हुआ और मैंने रिफ्रेश किया, हाँ तो मैं होम पे आ जाऊँगा। तो सही है, सेम बिहेवियर है। ठीक है, तो कोई भी यूआरएल लिखा हुआ होगा ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा ना मुझे वो होम पे लेकर आ जाऊँगा। ठीक हो गया जी, अच्छा एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ भाई दोनों, ये सिंगल पेज ऐप ना ज़्यादातर लोग, होती तो ऐप उनकी सिंगल पेज है लेकिन वो फ्लैग सिंगल पेज का लगाते नहीं है। इसको थोड़ा कुछ और भी मज़ीद तरीक़े हैं इसको हैंडल करने के, लेकिन वेल अभी मैं वो एडवांस तरीका डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसका डाउन साइड क्या है, इसका डाउन साइड ये है, अगर मैंने किसी को अपना यूआरएल दिया है, जैसे फेसबुक के जो पोस्ट होता है उसका जब आप लिंक शेयर करते हैं तो वो लिंक कैसा होता है, facebook.com/post/user/id/post यही होता है ना, आप लिखते हैं डायरेक्ट सामने पोस्ट आती है आपके, पूरा फेसबुक छोड़ के एक पोस्ट पे आते हैं आप, वो काम इसमें कैसे होगा, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिंगल पेज है। तो अब उसको अचीव करने के लिए क्या करना होता है ये फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करते कि उसको अचीव हम कैसे कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या करना है। तो पॉइंट बताने का मेरा यह था कि बहुत सारे लोग ये भी तरीका करते हैं कि होती उनकी ऐप सिंगल पेज है लेकिन डिप्लॉय करते हैं वो सिंगल पेज मेंशन नहीं करते, जैसे github.com इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, पता है ना ये भाई। github.com पे मैं जब जाता हूँ और मैं एक रिपोजिटरी से दूसरे रिपोजिटरी पे जब जाता हूँ तो लोडर चलता है लेकिन ये वाला लोडर नहीं चलता, इनका खुद का लोडर है वो चलता है। नोट करो, देखो पेज नहीं रिफ्रेश हो रहा मेरा, पेज वही है। ठीक है, मैं पुल रिक्वेस्ट में चला गया तो अब जाके पेज चेंज हुआ है, अब जाके पेज चेंज हुआ है, लेकिन एक पेज में बहुत सारी जगहों पे। तो इन्होंने कुछ हाइब्रिड अप्रोच की भी है
ठीक है, कुछ हाइब्रिड अप्रोच की भी है उन्होंने। मैं बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ। अब मैं रिपोजिटरी में आया, मैं रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ तो पेज रिफ्रेश हुआ है। हाँ, इसमें तो हुआ है पेज रिफ्रेश। अब यहाँ पे अगर ये सिंगल पेज वो वाला होता, रिडायरेक्ट ऑल यूआरएल वाला, तो जब मैं रिफ्रेश करता तो क्या होता, होम पे चला जाना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं जा रहा, यहीं खड़ा था। तो मुझे ऐसा क्या करना होगा अपनी ऐप में कि मैं रिफ्रेश करूँ तो मैं वहीं खड़ा रहूँ, मैं होम पे ना जाऊँ। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल ये समझ आया है जितना मैंने बताया। अच्छा, अब हमने अगला क्या करना है, असल में आपका कल हैकाथॉन है तो उसके लिए कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि वो रहती हैं, और मेनली होस्टिंग हमने आज इसलिए भी डिस्कस की कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी और उनको लग रहा था कि किसी वजह से आ रही है, लेकिन रीज़न वो नहीं था, रीज़न कुछ और था। तो आपको पता चल गया कि रीज़न शायद आपने npm रन बिल्ड सही तरह नहीं चलाया था, या कोई भी बात गलत दे दिया था, तो इस तरह का कोई रीज़न होगा। ये सिंगल पेज ऐप हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअल होस्टिंग, ये जस्ट एक रूल है कि आपको उठा के इधर फेंकना है या उधर फेंकना है। सही है, जस्ट एक रूल है जी। नहीं, लेकिन कल की जो रिक्वायरमेंट है वो रिएक्ट है आपका, अगर कल की जो ऐप है अगर आप रिएक्ट पे नहीं बनाएंगे तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी। सही है।